तस्वीर। एक नजर में देखिए तो लगेगा ग्रामीण भारत का बच्चा कितना खुश है खेलने में। कैमरा घूमता है तो पता चलता है खेल कर दिया है सिस्टम ने इस देश में स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर, जो अव्यवस्था के बांस की खपच्चियों के बीच अपना चेहरा छिपा रहा है। दूसरी तस्वीर। सरकार कहती है स्वच्छ भारत अभियान चमचमा रहा है, लेकिन सिर्फ गेट बंद रहने तक, क्योंकि शौचालय का गेट खुलता है तो शौचालय निर्माण में बद इंतजामी की कब्ज का पता चलता है, अंदर टॉयलेट सीट गायब है। तीसरी तस्वीर। जहां तक निगाह जाएगी, नीले गगन के तले सरकार का स्वच्छ भारत अभियान यू बिना दीवार बिना गेट बेपर्दा मिलेगा। सिर्फ सिस्टम की लापरवाही का वो चबूतरा दिखता है जहां टॉयलेट सीट तो बैठा दी गई, लेकिन इसके आगे सरकार क्या करना है भूल गई। चौथी तस्वीर। गरीब के कपड़े किसी तरह सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की उस लापरवाही को ढक रहे हैं, जिसका खुलासा आज होगा तो मुख्यमंत्री से लेकर अफसरों तक की मानसिक कब्जियत खुल जाएगी। पांचवी तस्वीर। अफसरों को खुले में गांवों को शौच से मुक्त करा के रिकॉर्ड बनाने का ऐसा चस्का लगा है कि शौचालय की ईंटें गवाही देती हैं कि अव्यवस्था के कीटाणुओं ने किस कदर पूरे मिशन को चकनाचूर कर रखा है। ये देखिए, इसको ऐसे तोड़ते हैं तो अपने आप ये सब भटक रहे हैं, ये हाथ में आ रहे हैं। ये लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश को खुले में शौच से मुक्त कराने का सपना देखा, उसे उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री रमन सिंह के राज में कैसे तोड़ा जा रहा है, इसकी बड़ी पड़ताल संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने की है। राजधानी रायपुर से 150 किलोमीटर दूर बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक में जब न्यूज संवाददाता पहुंचे तो वहां के कुवारी मुंडा गांव में रहने वाले श्यामलाल एक ऐसी जगह खड़े मिले जो दूर से साइकिल स्टैंड लगती है। कैमरा थोड़ा और करीब गया तो पता चला ये साइकिल स्टैंड नहीं बल्कि सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत बनाया गया शौचालय है, जहां सिर्फ टॉयलेट सीट बैठाकर इसे शौचालय सरकार ने मान लिया और हकीकत आप देख रहे हैं। सच्चाई अब श्यामलाल खुद बताते हैं। बताया गया है सर कि आप तो ईंटा गिराए लो बनवाए लो, इसका बाद में पैसा मिलेगा बोलते हैं 7,300 रुपया। तो हमारा का पावर है गरीब आदमी के, तो हम ईंटा गिरवाएंगा पूरा करेगा शौचालय को, हमारा कोई पावर नहीं है। उसको कपड़ा को रूंध के वहाँ सब कुछ करो कहते हैं, तो हम कैसे करे जाएगा। हाँ, हम गरीब आदमी महा गरीब आदमी हैं, हमारा करते हैं ये क्या बोलते हैं बाहरी जाते हैं सब कोई हम बाहरी जाते हैं सर। दरअसल छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार ने 2018 में पूरे राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। उसी लक्ष्य के लिए अधूरा शौचालय बनाकर कागज पर पूरा दिखाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं। ग्राम पंचायत 4,700 रुपए की लागत से सिर्फ टैंक खोदकर टॉयलेट सीट लगा दे रही है। बाकी शौचालय की दीवार बनाने पानी का इंतजाम करने के लिए खुद गांव वालों से कहा जा रहा है। आदेश दिया गया है कि खुद गांव वाले शौचालय पूरा बनाकर 3 महीने इस्तेमाल करें, तब जाकर उन्हें 7,300 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन जो छत्तीसगढ़ देश में दूसरा सबसे गरीब राज्य है, वहां गरीब आदमी शौचालय की दीवार बनाने के लिए कहां से 7,300 रुपए लाएगा। इसीलिए देखिए कैसे सरकार की अव्यवस्था वाला आदेश पूरा करने के लिए गरीब को अपनी साड़ी तक उतारनी पड़ी है। छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में जो शौचालय बनवाए हैं उनकी स्थिति क्या है, इस शौचालय को आप देखकर इसका अंदाजा लगा लीजिए। दरअसल जो शौचालय प्रशासन ने बनवाकर गांव वालों को दिए हैं उसमें कोई दीवार नहीं है, इसलिए ग्रामीणों ने इस तरह से लकड़ी की दीवार बनाई, इसमें साड़ी लगाया और इस्तेमाल करने के लायक इसे बना रहे हैं। दरअसल इस गांव में ऐसा एक शौचालय नहीं है जिसकी ऐसी स्थिति है। आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं, इस गांव में जितने भी शौचालय बने हैं सभी शौचालय खुले हैं, उसमें कोई दीवार नहीं है,
किसी तरह से कोई पर्दा नहीं है और गांव वालों को इस शौचालय का इस्तेमाल करना है, इसलिए गांव वालों ने हर शौचालय में इस तरह से ये लकड़ी की दीवार बनाकर अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी राजधानियों में बैठकर जो बड़े दावे कर देती हैं, देख लीजिए उन दावों को पूरा करके दिखाने के लिए सिस्टम आम आदमी को कितना लाचार बना देता है। इस गांव में 35 परिवारों के 500 लोगों के लिए जितने भी शौचालय सरकार ने बनाए वो सारे ऐसे आधे अधूरे छोड़े गए हैं, जिन्हें गांव वालों ने किसी तरह लकड़ी की दीवार बनाकर ढका। लेकिन शौच करना तो दूर, यहां शौच जाने की सोचना भी शर्मनाक ही होगा। इस गांव के श्रीराम बताते हैं कि ऐसे शौचालय इस्तेमाल तक नहीं हो पा रहे हैं। खुला है उसमें थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, जो पूरा बने होगा तो उसके इस्तेमाल कर सकते हैं, अब खुला में तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो क्या प्रशासन के अफसरों को उनकी हरकतों की बदबू तक नहीं मिल रही? क्या प्रशासन को इस गैर जिम्मेदाराना करतूत का पता भी नहीं है? ये जानने की न्यूज संवाददाता बिलासपुर में कोटा के CEO हिमांशु गुप्ता के पास पहुँचे, पूछा आखिर माजरा क्या है। रमन सिंह के अफसर का जवाब सुनकर चौंक जाएंगे आप। कुछ बनाएंगे तो उसका यूज उनको समझ में आया, उसका उसकी उपयोगिता उनको समझ में आई। हमारा पूरा उद्देश्य शौचालय बनाना नहीं है, शौचालय का समुचित उपयोग करना है। क्वालिटी का विशेष ध्यान रखने को हमने बोला है ताकि शौचालय की जो उसका टिकाऊपन है वो लंबा रहे। वाह साहब वाह, शौचालय की उपयोगिता समझाने के लिए गांव वालों को ऐसा मोहरा बनाया गया कि उनसे न शौच करते बन रहा है न दो वक्त की रोटी के लिए पैसे बचाते। और क्वालिटी तो देश की जनता आज ABP न्यूज पर देख ही रही है, इसलिए ABP न्यूज को लगा आप सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री से ही बात करनी चाहिए कि आखिर स्वच्छता के नाम पर सरकारी अत्याचार क्यों हो रहा है। जनता के दर्द का हल जानने के लिए हमने सीधे मुख्यमंत्री रमन सिंह से बात की। मुख्यमंत्री जी ABP न्यूज को ही स्टोरी क्या करनी है ये समझाने लगे। सर ये बात भी आपको नोट करना चाहिए कि स्वच्छता का ODF का जो कवरेज आज पूरे छत्तीसगढ़ में 22% 18% से बढ़ के 75% हो गया। अभी एक शौचालय को झांकने जाओगे तो कोई गरीब कुछ आगे पीछे कर सकते, 12,000 आप तो जाके देखेंगे कि दो दो कमरे का बाथरूम के साथ बना रहे हैं, अपने खुद के पैसे लगा रहे हैं। स्टोरी उसकी बननी चाहिए, एक कोई पर्दा लगा लिया कोई गरीब तो उसको झांकने का पैसा, जो 75% और जो आने वाले एक साल के अंदर 100% ODF हो गया, ये छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए देश के लिए अग्रणी भूमिका होगी। मुख्यमंत्री रमन सिंह शायद भूल रहे हैं कि देश में जिनके पास शौचालय नहीं है उन्हें टॉयलेट देने का ही तो वादा सरकार ने किया है। जब मुद्दा शौचालय देने का है तो स्टोरी CM साहब यही होगी कि आप टॉयलेट जनता को दे पा रहे हैं कि नहीं, इसलिए जरा आपके मन में अव्यवस्था की जो कब्जियत है उसे दूर करने के लिए सच्चाई का ये सब गोल भी आपको दे देते हैं। क्योंकि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी असर का ताजा सर्वे बताता है कि गांवों को तो छोड़िए, छत्तीसगढ़ में स्कूल के शौचालय तक बच्चों के लायक नहीं है। छत्तीसगढ़ में 6% स्कूलों में शौचालय ही नहीं है, 17% स्कूलों के शौचालय उपयोग करने की हालत में नहीं। रमन सिंह के राज्य में लड़कियों के लिए 14% स्कूलों में अलग से टॉयलेट नहीं है, 12% स्कूलों में टॉयलेट तो है लेकिन लड़कियों के उपयोग के लायक नहीं है। लेकिन रमन सिंह को इन आंकड़ों की सच्चाई के इस बोल पर भी भरोसा नहीं हो तो उन्हें हकीकत का चूरन भी आज जरूर खाना चाहिए। क्योंकि न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने आज शौचालय के नाम पर सरकारी अत्याचार की पड़ताल सिर्फ एक जिले या एक गांव में नहीं की है। बिलासपुर के बाद भी न्यूज पड़ताल करने छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले पहुंचा, यहां के भरतपुर ब्लॉक में तफ्तीश शुरू की। खास बात यह है कि इस भरतपुर पंचायत को खुले में शौच से मुक्त होने का प्रमाण पत्र तक सरकार दे चुकी है। तफ्तीश शुरू करने से पहले हमने सीधे भरतपुर ब्लॉक के CEO मोहनलाल यादव से बात करनी चाहिए, ये जानना चाहा कि आखिर उनके इलाके में क्या हर घर में शौचालय बन चुका है। रमन सिंह के इस अफसर की बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे इसी बयान के आधार पर पड़ताल का सच आपको पता चलेगा। भरतपुर जनपद में 64 ग्राम पंचायतें हैं और 26 जनवरी 2017 को जनपद जो है पूरी तरह से ODF घोषित हुआ है। लक्ष्य जो चिन्हांकन गया था 21 से 27 का था।
यानी खुद अधिकारी ने एबीपी न्यूज को बताया कि खुले में शौच से मुक्त होने का अभियान उनके इलाके में पूरा हो चुका है। लेकिन जब कोरिया जिले के इस ब्लॉक में एबीपी न्यूज संवाददाता पहुंचे तो बिलासपुर में जहां सिर्फ टॉयलेट सीट थी तो यहां पर चमचमाते गेट के साथ बना हुआ शौचालय जरूर दिखा। लेकिन सच यही नहीं है, हकीकत क्या है अब वो देखिए। यहां शौचालय के नाम से ये पूरा ढांचा तैयार है, खूबसूरत सा गेट लगाया गया है, इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि शौचालय बनकर तैयार है। लेकिन आप जैसे ही ये खूबसूरत सा गेट खोलते हैं और इसको आप देखिए कितना कमज़ोर है कि इसको खोलने मात्र से इसका जो रॉड है वो टूट गया, और इस गेट को खोलकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ सीट है ही नहीं, ना तो ये शौचालय उपयोग करने लायक है। कोरिया जिले में जिन गांवों की पड़ताल की वहां 349 शौचालय बनने थे, लेकिन सिर्फ 100 शौचालय मिले, वो भी केवल ढांचा खड़ा हुआ, अंदर टॉयलेट सीट तक नहीं। इस गांव में रहने वाले घनश्याम बताते हैं कि जनवरी में शौचालय बनाने वाले आए थे, आधा अधूरा काम करके चले गए। फरवरी और ये मार्च दो महीना गुजर गया, अभी तक इसका कोई मतलब देखने वाले नहीं है न सुनने वाले। और जहां शौचालय भी सरकार बनवा चुकी है, जहां टॉयलेट सीट भी लगाकर सरकार अपना बखान कर रही है, उनका क्या हाल है जरा देखिए। कोरिया जिले के भगवानपुर गांव के नारायण दत्त क्या बताते हैं। ये गिर रहे हैं, ये देखिए, ये आप ये स्थिति है, ये अपने आप आ रहे हैं, ये देखिए, इसको ऐसे तोड़ते हैं तो अपने आप ये सब भटक रहे हैं, ये हाथ में आ रहे हैं, ये क्या चले, ये कोई शौचालय है। कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि टॉयलेट सीट सरकार ने लगा दी तो दीवार नहीं बनाई, दीवार बना दी तो अंदर टॉयलेट सीट नहीं लगाई, दीवार और टॉयलेट सीट लगाकर शौचालय बना दिया तो उसका निर्माण कार्य घटिया है। प्रधानमंत्री मोदी के सपने को पूरा करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए सरकारें जनता पर अत्याचार कर रही हैं, जबकि शौचालय कितना जरूरी है इस बात से समझ लीजिए। ग्रामीण भारत में हर दो में से एक आदमी खुले में शौच करने को मजबूर है। देश में हर तीन में से दो आदमी खुले में टॉयलेट जाते हैं। बांग्लादेश की आबादी के बराबर भारत में लोगों के पास टॉयलेट तक नहीं है। भारत में खुले में शौच जाने से होने वाली बीमारी पर हर साल 24,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। लेकिन इतनी बड़ी समस्या से लड़ने के लिए सरकारें कागज पर ज्यादा काम करती दिखती हैं, जमीन पर कम। इसीलिए गरीब एक अदद टॉयलेट के लिए भी तरस रहा है, सिस्टम की अव्यवस्था के कीटाणुओं से लड़ रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज़ इंडिया, न्यूज़ बियॉन्ड पॉलिटिक्स।